मूरत हूँ मैं, बेटी बहन पत्नी माँ हर रूप में ढल जाती हूँ मैं। घर तक सीमित नहीं, चलाने को तो देश भी चलाती हूँ मैं। नदियों की पत्थरों को चीर के रास्ता बनाती हूँ मैं। इस समाज में पुरुषों से कोई लड़ाई नहीं, उस असूलों से है जो मुझ पे लागू है। अपनी पहचान बना के अपना हक भी तो मांगती हूँ मैं। मैं हूँ तो ये संसार है, ये जहान खूबसूरत बनाती हूँ मैं। हाँ एक औरत हूँ मैं, हाँ एक औरत हूँ मैं, गर्व से कहती हूँ मैं, गर्व से कहती हूँ मैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तू तो विश्व की जननी है, किसी की मोहताज नहीं। बेटा घर की रौनक है तो बेटी भी पाप नहीं। हर घर की लक्ष्मी है बेटी, बेटे से बेकार नहीं, बेटे से बेकार नहीं। यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरी ओर से शुभ प्रभात। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है ही है कि आज 8 मार्च है और आज के दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर मैं महिला सशक्तिकरण के विषय में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारे भारतीय समाज में प्राचीन समय से ही नारी को देवतुल्य माना गया है। वे कभी एक पुत्री के रूप में, कभी पत्नी, तो कभी एक माँ के रूप में इस विश्व का सृजन करती आई है। इस तथ्य को कदर से नकारा नहीं जा सकता कि किसी समाज को जागृत करने के लिए महिलाओं का जागृत होना अत्यधिक आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि जब वे अपना कदम बढ़ाती है ना, तो एक परिवार आगे बढ़ता है, एक गांव आगे बढ़ता है तथा पूरा का पूरा राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। देश, परिवार और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए हर साल पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय में यदि हम इतिहास के कुछ पृष्ठों को पलट कर देखें तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय में स्त्रियों को अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। वे भी कुछ धार्मिक कर्मकांड में हिस्सा लिया करती थी, किंतु उत्तरवैदिक काल के आते ही स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई। मध्यकाल के आगमन के साथ ही पर्दा प्रथा, लैंगिक असमानता जैसी बुराइयां समाज पर मंडराने लगी, जिससे महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय होती चली गई। 19वीं शताब्दी में तो सती प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयों पर कई महापुरुषों ने रोक लगाई, किंतु तब तक हजारों महिलाएं अपनी आहुति दे चुकी थी। वही अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो महिलाओं की स्थिति में काफी हद तक सुधार आया है। आज वे हर क्षेत्र में पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, चाहे वे राजनीतिक हो या सामाजिक, आर्थिक हो या धार्मिक। हर क्षेत्र में स्त्रियों ने अपना परचम लहराया है। जैसे कि हम सब देखते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार नारी जीवन के भी दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। जहाँ महिलाएं एक ओर आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी स्थिति आज भी दयनीय है। अपने हिस्से की दुनिया में तैनू वादिया, कुड़िए किस्मत कुड़िए तैनू इना प्यारिया, अपने हिस्से की दुनिया में तैनू वादिया। तू जमी कर पराइए पिए, सौरे घर बिच कैन बेगानी जाइए पिए, तू जमी मापे कैन पराइए पिए, सौरे घर बिच कैन बेगानी जाइए पिए। केड़े घर की अखा तेनू की सत्कार देवा, अपने हिस्से दी दुनिया में तैनू वादिया, कुड़िए किस्मत कुड़िए तैनू इना प्यारिया, अपने हिस्से दी दुनिया में तैनू वादिया। सत परा इक मिर्जा बाकी किस्सा कारा ने कली
साहिबा गुड़ी बेती मर्द हजारा ने सच परा एक मिर्जा की किस्सा कारा ने कली साहिबा गुड़ी बेती मर्द हजारा ने जी कर दे मैं अपनी किस्मत तेनू हार देवा अपने हिस्से दी दुनिया में ते तू मार देवा कुड़िए किस्मत कुड़िए तेनू एना प्यार देवा अपने हिस्से दी दुनिया में ते तू मार देवा अपने हिस्से दी दुनिया